हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 हिंदी मीडियम, ठीक है, और 15.1 एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ लिखा है संयोग, यानी कि संयोग का मतलब चांस, ठीक है, कि खेल है, जैसे ये चित्र जो बनाया है इसमें क्या है, ये खेल कैसा है कि एक तीर घुमाया जाता है, ये तीर है उसको घुमाया जाता है, जो विश्राम के में आने के बाद संख्याओं, जैसे इसमें ये संख्या लिखी है 1 से लेकर 8 तक, ठीक है ना, मैं से किसी एक संख्या को इंगित करता, किसी एक संख्या पर आकर रुक जाएगा। यदि ये सभी परिणाम सम्प्रायिक हो तो इनकी क्या प्रायिकता, मतलब कोई भी परिणाम आ सकता है, कोई वो तो कहीं भी रुक सकती है सुई, ठीक है। तो ये तीर इंगित करता है किसको, 8 को इंगित करेगा, जैसे 8 पर ये तीर रुकेगा तो उसकी क्या प्रायिकता है, ऐसे प्रायिकता आपको बतानी है सब जगह। जैसे एक विषम संख्या, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे हल जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो संख्याएं 1 से 8 तक दी हुई हैं, ठीक है ना, तो प्रतिदर्श समष्टि यानी कि एन एस, बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये पूरे टोटल कितने हैं, 8, तो 8 आएगा एन एस बराबर, ठीक है। और अब इसमें एक एक करके इनको सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्या है, 8 को इंगित करेगा, तो पहले के लिए क्या है, 8 को इंगित करेगा, तो इसके लिए ये चार जो घटनाएं दी हैं तो n e1 मान सकते हैं इसको, 8 को इंगित करेगा, तो 8 कितने बार है, एक ही बार तो आएगा 8, ठीक है, तो ये एक बार ही आएगा 8, तो प्रायिकता इसको PE बोलते हैं, ये हो जाएगा n e1 माना तो e1 कर दो, n e1 बटे n s, n e/n s होता है ना, तो n e1 कितना है, 1/n s कितना है, 8, तो ये आ जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा का एक विषम संख्या को अंकित करेगा, तो विषम संख्या को इंगित कर, विषम संख्या के लिए घटना क्या होगी, घटना क्वेश्चन नंबर 2 है, इसीलिए हमने NE2 मान लिया इसको, E2। तो देखिए विषम संख्या हम जानते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम और विषम, अगर किसी को थोड़ा बहुत संशय हो तो यहाँ समझ जाएंगे। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इस तरह से चलती रहेगी आगे। और ये विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे चलती रहेगी इस तरह से, तो सम संख्या और विषम संख्या ही रहती है। तो यहाँ पे विषम संख्या की बात कर रहे हैं, तो विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, एक, एक के बाद 3, 5, 7, अब 9 तो इसमें है नहीं है, 8 यहीं तक है, तो ये विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो टोटल अगर देखे जाए तो ये कितनी है, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो n e2 बराबर कितना आया, 4, तो प्रायिकता PE2 PE, प्रायिकता तो ई मान लो, PE बराबर NE2/NS, तो ये हो जाएगा 4/8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद या तीसरा है, 2 से बड़ी संख्या, ये भी आसान है, तो अभी एक काम करते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह है, तीसरा वाला यहाँ बता देते हैं। तो देखो इसके लिए सीधे सीधे, अब 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या के लिए NE3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, देखो 2 से बड़ी संख्या यहाँ से 8 तक है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 से बड़ी संख्या 6 होंगे, तो प्रायिकता PE बराबर क्या होगा, NE/NS, NE3 यानी कि 6/8 होगा, 6 2 3 6 2 4 8, 3/4 ही आ जाएगा आंसर। और चौथा सवाल भी देख लें हम यहाँ पे, चौथे में क्या है, 9 से छोटी संख्या को जो इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या अगर देखें तो सभी हैं पूरी 1 से 8 तक, ठीक है, तो NNE4, ठीक है, ये कितनी होंगी, टोटल 8 होंगी, 9 से छोटी तो सभी हैं ही 8, तो PE बराबर NE/NS यानी 8/8, 8 एकम 8, इसका 1 आएगा उत्तर, तो ये उत्तर आ गया, एक उत्तर तो ये रहा 1/8, एक उत्तर ये 1/2 है, एक उत्तर ये है और एक ये एक है, ये 4 आंसर आ रहे हैं, ठीक है।
ये तो इस तरह से था।